हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओएल डिस सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिस पर डीडी स्पोर्ट चैनल को कैसे ऐड करें। यहां पर आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट चैनल जो कि चल रहा है, ठीक है। अगर गाइस आपके डीडी फ्री डिस पर ये चैनल नहीं आ रहा है तो आज हम सिखाएंगे कि डीडी स्पोर्ट चैनल को आप अपने डीडी फ्री डिस पर कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ऐड करने से पहले आपको जो फ्रिक्वेंसी सेटअप है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, तभी दोस्तों ऐड होगा, ठीक है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है वो हमें कमेंट करके भाई जो आपने बताया वो ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह क्या होती है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ओएल डिस सॉल्यूशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट चैनल यहां पर हमारे साथ में दिख रहा है, ठीक है। अब इस चैनल को ऐड करने के लिए आपको किसी भी चैनल पर चला जाना, ठीक है, कोई भी चैनल हो सकता है, ठीक है। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले आपको मेन्यू बटन को दबाना है, ठीक है। मेन्यू बटन दबाने के बाद आपको चला जाना है प्रोग्राम सेटअप पर, ठीक है। यहां पर आपको ऐड न्यू प्रोग्राम के अंदर चले जाना है। अब आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो दिखा रहा हूँ वो मैं आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पर जो LNB फ्रीक्वेंसी होती है वो 0.51 0.51 रखना है, ठीक है। अब गाइस, ये फ्रीक्वेंसी अगर आपके 0.5750 0.5750 है तो आपको ये चेंज नहीं करना है, और उसके लिए आपको अलग से फ्रीक्वेंसी होगी जो कि मैं बाद में वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ये 0.51 बॉक्स के लिए, ठीक है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है, ये 0.51 वाला बॉक्स के लिए। तो आपको LNB फ्रीक्वेंसी वही रखनी है जो आप इसके अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ट्रांस फ्रीक्वेंसी 0.3350, इसको आपको 0.3355 कर देना, ठीक है। 0.3355 मैंने यहाँ पे कर दी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29,500, ठीक है, सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 29,510 कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने 29,510 कर दिए, ठीक है। पोलिटी आपको वी रखना है, एच करोगे तो आपके सिग्नल चले जाएंगे, वी रखना है, ठीक है। 22 के ओप रखना है, डिस्क्यूसी भी आपको ओप रखना है, और यहाँ पे सिंपल सा आपको ऑल पे रखना है, ठीक है। अब गाइस, जैसे ही आपके सामने ये फ्रिक्वेंसी आप डालेंगे तब आपके सिग्नल आने चाहिए, ठीक है। मेरे यहाँ पर 39.40 आ रहा है, ठीक है, यानी 40-39 सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब आप यहाँ पर ओके फ्रेश कर देना, ठीक है। आप जैसे ही ओके फ्रेश करेंगे आपके डीडी फ्री डिस पर काफ़ी सारे चैनल ऐड होंगे, ठीक है, इसके अंदर 20 चैनल ऐड होंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वापस से जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीडी स्पोर्ट चैनल है वो हमारे यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 99 पर अभी हमने जस्ट ऐड किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 पर डीडी स्पोर्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। और जो पहले वाला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 99 पे हो गया, ये आप देख सकते हैं 79 पे हो गया, ठीक है। दो चैनल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, काफ़ी सारे कमेंट करते हैं कि ये पहले से ऐड था, आपने यही ऐड करके नहीं दिखाया, तो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 79 पे है और जो दूसरा है वो 99 पे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने डीडी स्पोर्ट चैनल को डीडी फ्री डिश पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करते रहिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन और नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।